Hi everyone, today I start height and distance of class 10th part 10. Let's start karte hain. An aeroplane, ek aeroplane hai at an altitude of 200 meter. Uski height kitni hai? 200 meter pe hai. Observe the angle. Angle banati hai of depression, yani upar se niche banayegi. Of opposite points on the two bank of a river, yani ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या बनाती है वो, ये मान लो एक भाई यहाँ बनाती है कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री का, यहाँ पे वो 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी वो 45 डिग्री का क्या बनाती है एंगल. फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी इस रिवर की, एक रिवर थी ऐसे, ठीक है, इसके दो किनारों पे, दोनों किनारों पे वो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है 60 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिफरेंस. ये 200 मीटर हाइट पे है और इस विड्थ पे हमें क्या करनी है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसकी चौड़ाई पता विड्थ बतानी है कितनी की, बी सी डी, ये 90 डिग्री का हो गया. अब देखिए पी और बी, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी डी, ए बी डी टेन 45 इक्वल टू ए बी, ए बी अपॉन में बी डी, टेन 45 कितने, ए बी 45 वन इक्वल टू ए बी 200 मीटर हो गई, ठीक है, बी डी, तो बी डी भी कितनी हो गई, 200 हो गई, ठीक है. देन देखो नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी 1060, 1060 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, तो 1060 डिग्री कितना होता है अपने पास, √3. ए बी कितनी है अपने पास, 200, बी सी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू बी सी, या अपने एक्स वाई की जगह एक्स वाई भी लिख सकते हैं, तो बी सी इक्वल टू 200 अपॉन में √3, बी सी इक्वल टू 200 अपॉन में √3. अब हमें पूरी सी डी निकालनी है, तो सी डी इक्वल टू बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी, बी सी कितनी है अपने पास, 200 अपॉन में √3 प्लस बी डी कितनी थी, 200 थी, ठीक है, 200 हो गई, तो सी डी कितनी हो जाएगी, सी डी कितनी हो जाएगी, √3 एलसीएम ले लिया, तो कितने 200 ऊपर वन, वन को 200 √3, ठीक है, तो 200 कॉमन आ जाएगा, वन प्लस, वन प्लस √3 अपॉन में √3, ठीक है. अब इसको सोल्व करेंगे हम, हमें पता है √3 की वैल्यू 1.73, फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, तो इसकी हाइट आ जाएगी 315.4 मीटर, सॉरी विड्थ आ जाएगी, इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, ये टोटल 315.4 आ जाएगी, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.